नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक चलती है। कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस हर बुधवार असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक चलती है और हर शनिवार गुजरात के गांधीधाम जंक्शन से असम के कामाख्या जंक्शन तक चलती है। असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक 15,668 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन से असम के कामाख्या जंक्शन तक 15,667 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। असम के कामाख्या जंक्शन से सुबह के 11 बजे प्रस्थान करती है और 58:20 पर तीसरे दिन की शाम 9:20 में गुजरात के गांधीधाम जंक्शन पहुँचती है। असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक पहुँचने के लिए 3 दिनों में 35 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,160 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। LSB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो असम के कामाख्या जंक्शन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर न्यू बंगाईगांव जंक्शन होते हुए न्यू कूचबिहार स्टेशन में पहुँचती है, फिर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, काटिहार जंक्शन, बेगूसराय स्टेशन, पटना जंक्शन, बक्सर स्टेशन होते हुए वाराणसी जंक्शन में पहुँचती है, फिर लखनऊ सारबाग एनआर स्टेशन, कानपुर सेंट्रल स्टेशन, आगरा फोर्ट स्टेशन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, सुरेंद्रनगर जंक्शन, शमशियाली जंक्शन होते हुए 58:20 बाद तीसरे दिन की शाम 9:20 में गुजरात के गांधीधाम जंक्शन में पहुँचती है। खाने पीने के बारे में बात करें, कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, जो यात्रियों को आसानी से भोजन करने के विकल्प प्रदान करती है। अगर टिकट किराया के बारे में बात करें तो कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जेनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकर कोच भी शामिल है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक एसी टू टायर का किराया है 3,725 रुपया। असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक एसी थ्री टायर का किराया है 2,390 रुपया। असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक स्लीपर क्लास का किराया है 970 रुपया और असम के कामाख्या जंक्शन से गुजरात के गांधीधाम जंक्शन तक जेनरल कोच का किराया है 530 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। कामाख्या जंक्शन स्टेशन कोड KYQ सुबह के 11 बजे कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का यात्रा गुजरात के गांधीधाम जंक्शन के लिए प्रारंभ होते है। ग्वालपारा टाउन स्टेशन को GLPT दोपहर के 12:47 में पहुंचती है और 12:49 में स्टॉप होती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू बंगाईगांव जंक्शन स्टेशन को NBQ दोपहर के 2 बजे पहुंचती है और 2:05 में प्रस्थान होती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। कोकराझार स्टेशन को KUJ दोपहर के 2:30 में पहुंचती है और 2:32 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन को NOQ
दोपहर के 3:25 में पहुंचती है और 3:30 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू कोचबिहार स्टेशन, स्टेशन कोड NCB। शाम के 3:50 में पहुंचती है और 3:55 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन कोड NJP। शाम के 6:30 में पहुंचती है और 6:40 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। कटिहार जंक्शन स्टेशन कोड KIR शाम के 10:05 में पहुंचती है और 10:15 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। खगड़िया जंक्शन स्टेशन कोड KGG रात के 11:57 में पहुंचती है और 11:59 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। बेगूसराय स्टेशन, स्टेशन कोड BGS रात के 12:31 में पहुंचती है और 12:33 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू बोरोनी जंक्शन स्टेशन को NBJE रात के 1:20 में पहुंचती है और 1:25 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। पटना जंक्शन स्टेशन को PLBE सुबह के 4:20 में पहुंचती है और 4:30 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। आरा जंक्शन स्टेशन को ARA सुबह के 5:10 में पहुंचती है और 5:12 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। बक्सर स्टेशन, स्टेशन को BXR सुबह के 6:35 में पहुंचती है और 6:37 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। पंडित गिरी उपाध्याय जंक्शन स्टेशन को DDU सुबह के 9:05 में पहुंचती है और 9:15 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। वाराणसी जंक्शन स्टेशन को BSB सुबह के 10:00 पहुंचती है और 10:10 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। अयोध्या कैंट जंक्शन स्टेशन को AYC दोपहर के 1:16 में पहुंचती है और 1:18 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। लखनऊ सारबाग NR स्टेशन, स्टेशन को LKU शाम के 4:50 में पहुंचती है और 5:00 प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन, स्टेशन को CNV शाम के 7:20 में पहुंचती है और 7:25 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। टुंडला जंक्शन स्टेशन को TDL शाम के 10:50 में पहुंचती है और 10:55 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा फोर्ट स्टेशन, स्टेशन को AF शाम के 11:35 में पहुंचती है और 11:40 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। बायाना जंक्शन स्टेशन को BXN रात के 1:28 में पहुंचती है और 1:30 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। सवाई मधुपुर जंक्शन स्टेशन को SWM रात के 2:58 में पहुंचती है और 3:00 प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। कोटा जंक्शन स्टेशन को KUTA सुबह के 4:20 में पहुंचती है और 4:30 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। रतलाम जंक्शन स्टेशन को RTM सुबह के 7:45 में पहुंचती है और 7:55 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। दोहुत स्टेशन, स्टेशन को DHT सुबह के 9:17 में पहुंचती है और 9:19 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। सायापुरी स्टेशन, स्टेशन को CYI सुबह के 11:16 में पहुंचती है और 11:21 में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन को KDI दोपहर के 1:45 में पहुंचती है और 1:55 में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। विरंगम जंक्शन स्टेशन को फिजी दोपहर के 2:56 में पहुंचती है और 2:58 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। सुरेंद्रनगर जंक्शन स्टेशन को SUNR शाम के 6:06 में पहुंचती है और 7:08 में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है।
वाकानेर जंक्शन स्टेशन को WKR शाम के 5:07 में पहुंचती है और 5:12 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। मोरबी स्टेशन को MBI शाम के 5:50 में पहुंचती है और 5:55 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। शमशियाली जंक्शन स्टेशन को SIUB शाम के 8:00 पहुंचती है और 8:02 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। फासू स्टेशन को BCUB शाम के 8:18 में पहुंचती है और 8:20 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। गांधीधाम जंक्शन स्टेशन को GIMB शाम के 9:20 में गांधीधाम जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों इसका शादी कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।